हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैटरी पेयर अड्डा। तो मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये है एक न्यू बैरी का बैट है जिसके अंदर काफ़ी हाइड एंड सी वाला काम हुआ है, जिसके अंदर मतलब कुछ ऐसा काम हुआ है जो अंदर से ग्रेंसिस फट चुकी थी और ऊपर से पता नहीं चल रहा था, इन द सेंस कह सकते हैं खोखला हो गया था अंदर से। तो उन ग्रेन्स को हमने रिपेयर किया है इसके अंदर। आप देख सकते हो एक एक ग्रेन्स उठा के हमने उनको रिपेयर कराया। ऐसा होता है जो खोखली ग्रेन्स हो जाती हैं तो थोड़ा बहुत साइड से चटक जाती हैं, तो उन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा उठा के वाटर लिक्विड के अंदर बना के एज ए बिल्कुल वाटर फॉर्म में बना के उसको अंदर तक पहुँचाते हैं। जितना उसको एज ए वाटर फॉर्म के अंदर डालते हैं उतना ही ग्लू अंदर तक जाता है, ग्रेन्स को चिपकाने की उतनी ही ज़्यादा टाइट बॉन्डिंग होती है और जिसकी वजह से बैट की पावर बनी रहती है, बैट दोबारा से वहाँ से ब्रेक नहीं होता ना ग्रेंसिस खुलती। ये तरीके से काफ़ी देर तक यही प्रोसेस करना पड़ता है हमें। और दोस्तों इसकी कुछ क्लिप, ये ग्रेंस की जो रिपेयर की थी इसकी कुछ क्लिप मिसिंग हो चुकी है, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मगर ये फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपके लिए। अब हम जो इसको सारी टेपिंग कर देंगे, टेपिंग इसकी इतनी अच्छे से करते हैं टेपिंग के जो भी ग्लू हम डालते हैं वो वहीं रुका रहता है, जब वहाँ सेट हो जाता है उसके बाद पूरी बॉन्डिंग बन जाती है, बैट के अंदर पूरी पावर आ जाती है, जिससे इन फ्यूचर बैट में कभी प्रॉब्लम नहीं आती। जहाँ से हम रिपेयर करते हैं वहाँ से कभी खुलता ही नहीं है, इसी यही रीज़न है क्योंकि वहाँ से नहीं खुलता। दोस्तों एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ या आपको भी एक चीज़ अलग से लगती होगी, जो मेरे टूल्स हैं कुछ इतने प्रोफेशनल नहीं है जो और लोगों के हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे नॉर्मल टूल्स हैं, मगर मैं उन टूल्स के ही जरिए इतनी बेटर रिपेयर करता हूँ, बहुत ही बेटर रिपेयर करता हूँ। आप पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे आप चेक कर सकते हो कि मेरी वीडियो या और किसी भाई की वीडियो कैसी रहती है। मेरे पास मेरी वीडियो को देख के कस्टमर काफ़ी रिपेयर आती है। मेरे ख्याल से आप कल भी मेरे पास 25 बैट रिपेयर के लिए आए हैं। मेरे YouTube फैमिली से इतना प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मेरे लिए बहुत इतना काम आता है कि मुझसे संभाला नहीं जाता। मुझे बहुत खुशी की बात है कि मुझे YouTube से लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि देखो हर जगह और हर कहीं पर सबके काम को सलाम है। तो मेरा काम अगर अच्छा है तो लोग बाग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, इसलिए मेरे पास आ रहे हैं बैटरी रिपेयर करवाने के लिए। अगर मेरे काम के अंदर शिकायत होती या किसी भी चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम होती तो लोग बाग मुझे बोलते। मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें लोगों ने कमेंट करके कुछ बोला हो कि आपने हमारे साथ गलत किया, हमारा बैट अच्छे से रिपेयर नहीं करा एटसेट्रा। बहुत सारे बंदे होते हैं कुछ ऐसे, उनमें से कम 2% तो हैं हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरे यहाँ BRD का बैट अवेलेबल है, मेरी खुद की ब्रांड का बैट। देखो SS का, टोन का बड़ी कंपनियाँ होती हैं, वो कोई गारंटी नहीं दे रही हैं, मतलब उसके अंदर भी काफ़ी सारी कंडीशन होती हैं। आप मुझसे डायरेक्ट मिल ले हो, मेरे YouTube चैनल से मुझसे डायरेक्ट मिल ले हो और डायरेक्ट मेरा नंबर ले सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, डायरेक्ट मेरा नंबर ले रहे हो आप, मैं डायरेक्ट आपको सेल आउट करूँगा, कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मेरे बैट की लाइफ टाइम गारंटी होती है हैंडल की, प्रेसिंग की। इन केस अगर एक सबसे स्पेशल गारंटी होती है, इन केस अगर मेरा बैट बीच में से ब्रेक हो जाता है, एज वर्टिकल फॉर्म के अंदर ब्रेक हो जाता है, तो जिस रेंज का आपको मैं बैट सेल आउट करता हूँ उसी रेंज के अंदर मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा उसी ग्रेड का बैट। मैं लाइफ टाइम गारंटी देता हूँ बैट की, यही रीज़न है जो मेरा BRD का भी बैट इसलिए ज़्यादा सेल आउट होता है, क्योंकि मैं लाइफ टाइम गारंटी देता हूँ। दोस्तों देखो जाहिर सी बात है, मेरे जितने बैट होते हैं वो सारे विदाउट स्टिकर मैं कस्टमर को दिखलाता हूँ, जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है फिर उसके ऊपर स्टिकर लगाता हूँ। मैं शुरू से ऐसे ही करता हूँ। पहले मेरा बैट मैं विदाउट स्टिकर भेजता तो कोई नाम नहीं था, मगर दोस्तों ने काफ़ी लोगों ने बोला यार अपना नाम चलाओ यार, के अपना नाम चलाओ, अच्छा खासा बैट चलता है, आप अपने नाम चलाओ तो और अच्छा चलेगा। अब देखो आप लोगों की दुआओं से मेरा ये सारा प्लेटफॉर्म बन चुका है, रेडी हो चुका है, BRD स्पोर्ट्स के नाम से, बैट रिपेयर अड्डा के नाम से सारा प्लेटफॉर्म बन चुका है और लोग बाग दूर दूर से मुझसे जुड़ रहे हैं और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है जब लोग बाग दूर दूर से जुड़ते हैं। और देखो मैं ऐसा नहीं है कि लोग बाग मुझसे जुड़ रहे हैं कि मैं मोटा मोटा मतलब जो मर्जी आया रेट बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल रिलायबल प्राइस पे उनको रिपेयर करके देता हूँ बैट। देखो ये होता है जो दूर दूर से बैट रिपेयर कराने के लिए आते हैं उनका शिपिंग चार्ज वगैरह लगता है, तो जो शिपिंग चार्ज वगैरह लगता है वो मैं अपने पास से पे तो नहीं करता, मगर उनको रिपेयरिंग का कॉस्ट इतना नॉर्मल बता देता हूँ कि उन्हें दिक्कत नहीं होती। जैसे अभी बिहार से एक कॉल आई थी, उनका बैट आया रिपेयर होने के लिए, अभी उन्होंने पोस्ट किया है, अभी तक मेरे पास नहीं आया, मगर उनको मैंने इतने रिलायबल प्राइस बताए हैं
कि वो खुश हो गए, कहने लगे सर और थोड़ा कम कर लो। मैंने उनको यहीं से बोला कि अगर आपके पूरे बिहार के अंदर ये बैट इतने में रिपेयर हो जाए तो मैं फ्री करके दूंगा। तो उन्होंने ट्राई भी किया, जो भी है कुछ जो भी बात है, मगर उन्होंने मुझे बैट पोस्ट करने के लिए रेडी हो गए। और दोस्तों बस यही वजह है, देखो मैं आटे में नमक कमाता हूँ, आटे में नमक उस हिसाब से कमाता हूँ, ये नहीं कि नमक में आटा डाल दिया नमक में आटा डाल दिया। तो इसलिए देखो कहीं भी है तो थोड़ा अपना नॉर्मल हिसाब किताब रखो कमाने का भी। आपको प्यार, मुझे अगर आपकी सपोर्ट मिली है, प्यार मोहब्बत मिली, यही रीज़न है क्योंकि मैं एकदम रिलायबल प्राइस पे उसको रिलायबल प्राइस पे अच्छी चीज़ देता, अच्छी चीज़ अच्छा काम करके देता हूँ आपको, या अच्छा बैट प्रोवाइड करवाता हूँ। मेरे यहाँ पूरी किट अवेलेबल होती है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपको जानकर खुशी होगी, मेरे यहाँ पूरी किट अवेलेबल होती है, लगभग 4000 से 4500 में पूरी किट अवेलेबल होगी, जिसके अंदर बैट की भी लाइफ टाइम गारंटी होगी, BRD का ग्लव्स पैड एवरीथिंग होगा किट के अंदर, सारा अवेलेबल होगा। किसी को भी कॉन्टैक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ जाके मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और डायरेक्ट कॉल करके बाय पोस्ट में आपको बैट भेज दूंगा। जो भी है, जैसा भी है, उस चीज़ का मैं फ़ोटो आपको क्लिक फ़ोटो दिखाऊंगा, या आप सीधा मेरे ऑफिस पर आके ले सकते हो। मैं दिल्ली, मेरा दिल्ली में मेन ऑफिस है, वहाँ आके आप सीधा ले सकते हो। दोस्तों ये पूरा बैट रिपेयर होने के बाद भी अब ये रबिंग बफिंग पे आ चुका है, और इस बैट को मैं ऐसा कर दूंगा कि आप भी इसको पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि मोस्टली 50% बैट रबिंग बफिंग के लिए आते हैं हमारे पास, कहते हैं जी रिप्लेसमेंट कर दो, कि हमें बिल्कुल नया दोबारा से करना है, या स्टिकर कोई दूसरा स्टिकर लगाना है। हमारे हम तो यही बोलते हैं जी हमारे पास तो BRD का अवेलेबल है स्टिकर, वही लग पाएगा, और BRD का अवेलेबल है स्टिकर, हम कहते हैं वही लग पाएगा, चलो कोई उसका कोई चार्ज नहीं लेते हम अपने स्टिकर लगाने का भी, क्या हम ऐसे लगा के देते हैं स्टिकर भी, कोई चार्जेस नहीं होते। और दोस्तों एक ख़ास बात हो रहा है, हमारे यहाँ सेकंड हैंड बैट भी अवेलेबल होते हैं, लोग बाग दूर दूर से सेकंड हैंड बैट लेने के लिए आते हैं हमारे पास। जो सेकंड हैंड बैट जो मार्केट में 8 से 10 हज़ार रुपये का होता है, वो हमारे यहाँ 3000-4000 लगभग, फाइनली लगभग 5000 से ऊपर का, हम 5000 तक मिल जाता है बैट, मतलब इन द सेंस 5000 का बैट वो होगा, समझो कि कम से कम 12-13 हज़ार रुपये का जो बैट होगा सेकंड हैंड, वो हमारे पास यहाँ 5000 रुपये तक अवेलेबल हो जाएगा। बल्क में आता रहता है, स्टॉक आता रहता है सेकंड हैंड बैट का। अभी फ़िलहाल 25 बैट थे अवेलेबल, अब मेरे ख्याल से 2 बैट बचे, आज पूरा स्टॉक निकल चुका है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मेरी किसी वीडियो में कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगती, वैसे सबसे ज़्यादा टफ काम क्या होता है इसके अंदर, देखो कोई भी टफ़ काम, सबसे ज़्यादा टफ़ काम सिर्फ मैं जो मानता हूँ ये फिनिशिंग के अंदर सबसे ज़्यादा टफ़ काम होता है, और इसी के अंदर पता चलता है कि बंदा वाकई में इस चीज़ में प्रोफेशनल है या नहीं। तो कोई भी देखो, कोई भी आप स्ट्रक्चर बनाओ या किसी घर का कोई भी प्लेटफॉर्म बनाओ, कोई भी सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद फिनिशिंग होती है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा फिनिशिंग की क्लिप है, इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये सारी बैट का फिनिशिंग हो रहा है, और फिनिशिंग के अंदर हमें सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फिनिशिंग के अंदर ही आती है, रीज़न ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा डस्ट उड़ती है, जो कि डस्ट इतने प्रोफेशनल टूल नहीं है हमारे पास, गरीब शरीफ आदमी है जी, छोटा सा प्लेटफॉर्म है। हाँ मैं अपने काम की गारंटी लेता हूँ, मेरा बैट जहाँ से मेरा बैट रिपेयर होता है, अगर वहाँ से रिपेयर खुल जाए तो 5000 रुपये इनाम देता हूँ मैं। इनाम किसी को मिला ही नहीं है 5000 इनाम, क्यों नहीं मिला, यही रीज़न है क्योंकि वहाँ से खुलता ही नहीं है जहाँ से रिपेयर होता है मेरा बैट। दोस्तों अभी मैं खुला चैलेंज करता हूँ, और लोग बाग काफ़ी कोशिश करते हैं वहाँ से बैट कि यहाँ से बैट चला जाए, उसको ऐसे खेलते हैं, वहाँ से फटता ही नहीं है, वहाँ से जाता ही नहीं है बैट, फिर दोबारा आते हैं कि वहाँ से नहीं गया, बाजू में चला गया, क्यों गया भाई वहाँ से तो नहीं गया ना। तो दोस्तों ये बस आप लोगों की प्यार मोहब्बत है जिसकी वजह से आप इतना प्यार मिलता है। अब भी मेरे ख्याल से 25 से 30 बैट रिपेयर के लिए आए हुए हैं, एक हफ्ते के अंदर इतना स्टॉक हो जाता है, हफ्ते के 3 दिन के अंदर मैं बैट रिपेयर करता हूँ, ये लगभग अब तो हफ्ते में कर रहा हूँ, कम से कम 40-50 बैट का स्टॉक हो जाता है पूरा। जो हमारे ऑफलाइन कस्टमर है वो तो आ ही रहे हैं, कुछ ऑनलाइन से आ रहे हैं, जैसे बिहार हुआ, पटना हुआ, और तुम्हारे मुंबई, नासिक, दूर दूर से बैट रिपेयर के लिए आते रहते हैं, UP से, हरियाणा से। सिर्फ एक क्या है, एक बॉन्डिंग है, एक प्यार मोहब्बत आप लोगों से जो बना हुआ है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहे, ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है कि सब्सक्राइबर मेरे इतने गेन हो नहीं रहे हैं यार, और के बहुत ज़्यादा गेन हो रहे हैं, और प्रोफेशनल बस मैं, मेरी इतनी प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, मगर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि एक अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। मगर ये है कि मेरा जो काम है, वाकई में मैं अपने काम की खुद ही तारीफ़ करता हूँ, क्यों तारीफ़ करता हूँ, क्योंकि
मेरे काम के लोग बाग खुद तारीफ़ करते हैं। और जाहिर सी बात है, कभी आपको रिक्वायरमेंट हो रिपेयर की तो आप सीधा मेरे पास आ सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना मेल करना ना कुछ करना। मेरा डिस्क्रिप्शन है, मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा मोबाइल नंबर है, सीधा वहाँ से जाकर मुझे कॉल कर सकते हो सीधा। और बैट के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है सीधा मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको तुरंत उसके अंदर बता दूंगा कि क्या दिक्कत है और क्या है और क्या नहीं है, कितना चार्ज होगा। एक नॉर्मल चार्ज होता है मेरा, कोई इतना हाई फाई चार्ज नहीं होता। एक हम आप देख रहे हो कि आप ये अब मैं थोड़ा इस पर और ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया है। एक ये है कि इतनी मैं वीडियो डेली वैसे अपलोड नहीं कर पाता, काम तो मैं कर रहा हूँ, बस ये है कि काम किस पे ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। काम सिर्फ बैटरी रिपेयर होते रहते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता यार वीडियो शूट का भी, क्योंकि लॉकडाउन की जब से लॉकडाउन लगा है तो जितनी भी लेबर होती है अपनी, जो लड़के होते हैं वो सब आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, सब अपने अपने गाँव चले जाते हैं। दोस्तों ये इसमें देखा होगा कि सारा प्रोसेस हो चुका है, अब लास्ट का जो प्रोसेस रहता है वो सिर्फ रहता है रबिंग रिक्रूटमेंट का, जो कि जिसके लिए साइनिंग आती है ना उसको रबिंग वबिंग होता है, जिसमें साइनिंग आती है। और साइनिंग के लिए जो होता है एक कॉटन का एक पूरा राउंड गोला करके बना होता है, उसके अंदर बैट को मतलब पूरा अच्छी तरह लगाना पड़ता है, मतलब इसके अंदर काफ़ी संभल के करना पड़ता है क्योंकि ये कॉटन का जो होता है इसे थोड़ा सा डिसबैलेंस हो तो थोड़ा इंजरी हो सकती है, तो इसलिए काफ़ी सोच समझ कर इसको यूज़ इसको मतलब रबिंग बफिंग करनी पड़ती है बैट को। दोस्तों इसके अंदर जितनी मेहनत लगी है बैट के अंदर, इस बैट के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है, मगर सिर्फ मेहनत लगी है फिनिशिंग के अंदर, वैसे कोई इंटरनली कोई खास रिपेयर नहीं थी इसके अंदर, मगर ये है कि इसको फिनिशिंग लाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है। दोस्तों कोई भी चीज़ है आप कितनी भी मजबूत कर लो, जब तक उसकी फिनिशिंग नज़र नहीं आएगी ना तो उसकी कोई डिमांड नहीं होगी। दोस्तों कोई भी चीज़ है कोई भी कंपनी की गाड़ी देख लो, बिल्कुल नई लगेगी। और अगर कोई इंजन कितना भी बेकार हो, गाड़ी नई हो, तो ये लगेगा हाँ भाई गाड़ी तो नई है। एक बार बंदा चलाएगा भी तो थोड़ा बहुत उसको वो पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, चलो यार नई तो गाड़ी है। तो जाहिर सी बात है फिनिशिंग के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं यही आपको ये दिखा रहा था इसके अंदर जितना भी हमारा फिनिशिंग के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। दोस्तों ये हमारा BRD का स्टिकर है, BRD का स्टिकर लगाते हैं हम रबिंग बफिंग, जिस बैट पर रबिंग बफिंग फाइनल करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक कोरा बैट करते हैं, जिसको कोरा चिट्टा कर देते हैं उस पर हम बैट खुद का ही लगाते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और आपने देखा होगा, हमारे BRD का स्टिकर है, BRD का स्टिकर लगाने के बाद हम ये नहीं कहते कि हमारा खुद का, हम कहते हैं जी रिपेयर करा हुआ बैट है, ये न्यूबेरी का बैट है। वैसे दोस्तों ये न्यूबेरी का बैठे आपने भी देखा होगा, फुल रिपेयर करने के बाद रमिंग बफिंग करने के बाद हम अपना स्टिकर लगाते हैं कस्टमर की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि कस्टमर ने बोला भी नहीं हमने लगा दिया, हम कस्टमर के कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग स्टिकर लगाते हैं। भाई हम तो सिर्फ रबिंग बफिंग करके दे सकते हैं, हमारे पास और कोई सा स्टिकर अवेलेबल होता नहीं है सिवाय हमारी ब्रांड के, तो इसलिए हम कस्टमर से बोल देते हैं भाई हमारी जो ब्रांड का स्टिकर है वो लगवाना है, तो ठीक है ना, अदरवाइज आप ऐसे ले जा सकते हैं जहाँ आपकी सेटिंग हो, जो भी हो आप देख लेना। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सारी वीडियो शेयर कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, काफ़ी टाइम लगता है यार वीडियो शूट करने के अंदर, 3 से 4 दिन लग जाते हैं, और सिर्फ आप 10-15 मिनट में देख के जज कर देते हो ये बुरी वीडियो है अच्छी नहीं है तो डिसलाइक कर देते हो, थोड़ी सही लगी तो लाइक कर देते तो डिसलाइक कर दिया। दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।